बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सपोज एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स एड्रेस, और एक वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है मैंने। ये वर्टिकल एक्सिस है, सपोज ये है वाई और ये है वाई डैश, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास में एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जो वाई है ये एक वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ। इट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट। अब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम चूंकि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो भी कोऑर्डिनेट हम लेंगे वो उसमें क्या होगा कि पहला जो पॉइंट होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड पॉइंट है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे जीरो से राइट हैंड साइड में जब आप चलते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। प्लस वन, प्लस टू, इक्वल डिस्टेंस पर मैंने इसको लिया हुआ है, प्लस थ्री, प्लस फोर एंड प्लस फाइव, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो यहां पर हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ठीक उसी प्रकार से जब आप जीरो से ऊपर जाते हैं तो जीरो से जब आप ऊपर जाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ले जाएंगे, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, फिर हो गया प्लस फोर। जीरो से जब आप डाउन आएंगे तो यहां पर नेगेटिव इंटीजर्स ले जाएंगे, माइनस वन, माइनस टू, फिर ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया माइनस फोर, ये हो गया माइनस फाइव, ठीक। अब क्या होता है कि पूरा का पूरा ये जो डायरेक्शन होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है ये कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, चार भाग में बटा हुआ है। ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस से मिलकर के बना हुआ है, राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं नंबर्स निकालता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालता हूँ, तो एक्स की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और सेकंड वैल्यू वाई की क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही साइन क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। पहला साइन एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो होता है वो वाई के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। इसी प्रकार से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पहला जो पॉइंट होता है हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चूंकि इस एक्स इस पर नेगेटिव इंटीजर्स है तो यहां पर पहला पॉइंट जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है किससे मिलकर के बना हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से, है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब है कि सेकंड पॉइंट इसका पॉजिटिव हो जाएगा और पहला पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो क्वाड्रेंट आएंगे इसके जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव आएगी और सेकंड वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट किससे मिलकर के बना हुआ है, एक्स एक्सिस से जो कि पॉजिटिव है और सेकंड वाई एक्सिस जो कि नेगेटिव है। तो इसके पॉइंट क्या देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो टेक्निकल टर्म है, जो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, और जो सेकंड पॉइंट होता है ये वाई को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट। मतलब फर्स्ट जो होता है वो एब्सिसा होता है और सेकंड क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट लिख करके दिया कि थ्री एंड माइनस थ्री, अब ये बताइए कि थ्री और माइनस थ्री किस क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन क्या है अपना कि जो थ्री और माइनस थ्री है एक नंबर है, पहला पॉइंट जो होता है मैंने बताया था कि पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, थ्री,
और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, माइनस थ्री है, तो x एक्सिस पर पॉजिटिव हम कौन से क्वाड्रेंट में लेते हैं, देखिए x एक्सिस से पॉजिटिव हम लेते हैं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या फोर्थ में आता है, और सेकंड जो चीज है y, y कहां पर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कहां पर है, यहां पर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो जो थ्री और माइनस थ्री है वो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अगर आपके पास में एग्जाम्पल ये आता है कि माइनस वन एंड माइनस फोर ये किस क्वाड्रेंट में है, अगर ये पूछा जाता है कि माइनस वन और माइनस फोर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो माइनस वन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स की वैल्यू को, और सेकंड जो पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है वाई की वैल्यू को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट को, और ये एक्सिस ठीक है एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कोई भी आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ये दे दिया कि माइनस टू एंड फोर, माइनस टू एंड फोर किस क्वाड्रेंट में बताइए, तो माइनस टू मतलब पहला जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, और सेकंड जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट पॉजिटिव कहां पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू को नंबर सिस्टम पर हम लेते हैं। ठीक, थैंक यू।